मृत्यु के बाद क्या होता है और 24 घंटे बाद आत्मा घर क्यों आती है और मृत्यु के बाद 13वीं क्यों मनाई जाती है, क्या 13 दिनों तक मृतक की आत्मा घर पर रहती है? वीडियो एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, मौत से कुछ घंटे पहले इंसान के पैरों के नीचे से अर्थ सोल चक्र डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब इंसान का धरती से कनेक्शन टूट जाता है और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। नंबर 2, मरने के बाद इंसान का उसका संपूर्ण जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक फ्लैशबैक की तरह स्पीड से दिखता है। अकॉर्डिंग टू साइंस ये सपना लगभग 7 मिनट का होता है, उसके बाद ब्रेन शटडाउन हो जाता है और अंत में इंसान अपनी सुनने की शक्ति खो देता है, जिसके बाद एस्ट्रल कॉर्ड टूट जाता है जो कि एक तरह से शरीर और आत्मा का कनेक्शन है, जिसके टूटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। नंबर 3, लंबे समय से शरीर में रहने के कारण वो बॉडी को छोड़ने से मना करती है, वो फिर से बॉडी में प्रवेश करने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो असफल रहती है। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार करती है। नंबर 4, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा बॉडी के 15 फीट ऊपर हवा में तैर रही होती है, वो अपने परिजनों को रोता हुआ देखती है, उसके बारे में बोले गए शब्द उसे किसी शोर की तरह सुनाई देते हैं। नंबर 5, हिंदू ग्रंथों के अनुसार रात के समय अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, उसे सूर्य देव की पहली किरण के बाद ही जलाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार रात को किया जाए तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश करती है, जिसके बाद वो सदा के लिए हमारे डायमेंशन यानी कि आयाम में भटकती रहती है। नंबर 6, मृत्यु के बाद शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता, अगर शव को रात भर घर में रखा जाए तो संपूर्ण परिजन रात भर शव को जागते हैं। एक बार एक गांव में एक शव को कुछ पलों के लिए अकेला छोड़ दिया गया, जिसके बाद बाहरी प्रेतों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और मृत बॉडी ने पूरा गांव जला दिया। गांव में हनुमान जी का एक मंदिर था, भूतों प्रेतों से भरी हुई बॉडी जैसे ही हनुमान जी के मंदिर के सामने से गुजरी, उन आत्माओं ने हनुमान जी की मूर्ति देखी और फिर डरकर उस बॉडी को छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक कोई भी डेड बॉडी को अकेले छोड़ने की गलती नहीं करता। नंबर 7, अंतिम समय में 2 यमदूत आते हैं, वो मरने वाले के साथ जैसा उसने संपूर्ण जीवन लोगों से व्यवहार किया था ठीक वैसा ही व्यवहार उसके साथ करते हैं। अगर मरने वाला अच्छा आदमी है तो वो इजीली प्राण त्याग देता है, परंतु वो पापी है तो यमदूतों के टॉर्चर से वो तड़प तड़प कर मरता है। नंबर 1, जिसके बाद आत्मा को एक प्रकाशमय गुफा से होते हुए यमदूत यमलोक लेके जाते हैं। रास्ते में वैतरणी नदी पार करते हुए आत्मा को जाना होता है, ये नदी आग से लथपथ होती है, जिसने अच्छे कर्म किए वो इजीली इस नदी को पार कर लेता है, लेकिन अगर कोई पापी व्यक्ति है तो उसे काफी पीड़ा भोगनी पड़ती है। नंबर 9, जिसके बाद उस आत्मा को यमराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है, फिर चित्रगुप्त जी उस व्यक्ति के पाप और पुण्य का लेखा जोखा यमराज के सामने रखते हैं, उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नर्क भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल 36 प्रकार के नर्क है, यहाँ बताई गई यातनाएं किसी की कल्पना से भी खतरनाक है। नंबर 10, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड यानी आत्महत्या करके प्राण त्यागता है तो उसे और भी कठिनाई सहनी पड़ती है, क्योंकि उसने निर्धारित समय से पहले ही हार मान ली। ये शरीर हमारा नहीं है, ये किराए का मकान है जिसे कुछ समय के लिए यूज करने के लिए मिला है, ये मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। नंबर 11, गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे वास्तविक जीवन में किए गए हमारे कर्म ही हमें स्वर्ग या नर्क दिलाते हैं, उसके बाद अगर कोई साधु या तपस्वी है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 12, सबसे बड़ा सवाल, ये सब बातें हमें कैसे पता? गरुड़ देव जिनका बल अतुलनीय है, वे एक साथ 100 इंद्रों को पराजित कर सकते हैं। गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर उड़ गए थे, लेकिन उन्होंने अमृत पान नहीं किया, उन्हें बिना अमृत के ही अमरता प्राप्त हुई। ये वरदान उन्हें स्वयं श्रीहरि नारायण ने प्रसन्न होकर दिया था। गरुड़ देव तो अमर है, उन्हें नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसलिए जिज्ञासावश उन्होंने श्रीहरि नारायण से ये प्रश्न पूछा और इसी ज्ञान को हम गरुड़ पुराण के नाम से जानते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, आत्मा न तो पैदा होती है और न ही वह मरती है, वो तो सिर्फ वस्त्र की तरह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। ये जीवन मृत्यु का चक्र यूं ही चलता रहता है, इसीलिए डोंट डाई बिफोर यू आर डेड, मरने से पहले कभी मत मरो। अंतिम समय में राम नाम सत्य है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वही संपूर्ण जीवन का सार है। श्री राम ही सर्वश्रेष्ठ है, वही सत्य है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट में जरूर बताना। द सोल हैज टू गो बैक होम, बैक टू द गॉडहेड, एंड द वे दैट्स गोइंग टू हैपन इफ द सोल एग्रीज टू एंगेज ऑल ऑफ हिज साइकोफिजिकल एनर्जीज एंड हिज होल हार्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ स्नेहा समयुक्त हरिनाम समकीर्तन।